हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ विशुचू और स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल चैनल टेक टॉक्स विशु में। दोस्तों, जब भी हमें कहीं बाहर सफ़र पर निकलना होता है तो हम सारी तैयारियां पहले से कर लेते हैं। यदि हमने ट्रेन से सफ़र करना है तो ट्रेन की सारी जानकारी हम पहले से जुटा लेते हैं कि किराए की ट्रेन का किराया कितना होगा, ट्रेन में अगर रिजर्वेशन करवानी है तो हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में पता करना होता है या वापसी की किसी ट्रेन का हमें पता करना होता है। ये सारी जानकारी हम इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं या रेलवे की साइट पर जाकर भी हम पता कर सकते हैं या प्ले स्टोर की एप्लीकेशन से भी हम पता कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर काफ़ी एप्लीकेशन है जिनसे हम ट्रेन की सारी जानकारी हम पता कर सकते हैं। आज मैं ऐसी एक एप्लीकेशन के बारे में आपसे बात करूँगा जिसका नाम है ई रेल। बड़ी ही सिंपल और ईजी ऐप है, इसमें आप ट्रेन की सारी जानकारी बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। हमें सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पर हमें सर्च करना होगा ई रेल। ई रेल पर ये इंडियन रेल पे हमें क्लिक करना होगा। इस एप्लीकेशन की आप रेटिंग देख सकते हैं, 4.2 इसकी रेटिंग है जो कि बहुत अच्छी रेटिंग होती है। और इसके आप डाउनलोड्स भी देख सकते हैं, 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है इसको। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ हम तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे, ट्रेन बिटवीन स्टेशन, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें वो स्टेशन फिल करने है कहाँ से कहाँ तक हमने जाना है। तो फ्रोम में मैं लिखता हूँ दिल्ली टू बठिंडा। मैंने दिल्ली से बठिंडा के लिए ट्रेन देखनी है तो नीचे शो ट्रेन का बटन है, वहाँ मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ हमें दिल्ली से बठिंडा के लिए जितनी भी ट्रेन चलती हैं वो हमें यहाँ हमें दिखाई देगी। यहाँ हमें ऊपर ट्रेन का नाम दिखाई दे रहा है, उसके साथ ही ट्रेन का नंबर और आने और दिल्ली से चलने का समय और बठिंडा में पहुँचने का समय है भी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और किस हफ्ते में किस किस दिन ये ट्रेन चलती हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर में। अब रैंडमली मैं किसी भी ट्रेन पर क्लिक करता हूँ, इंटरसिटी एक्सप्रेस पर 4th नंबर पर यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ अब मुझे ऊपर 4 टैब मिलते हैं, रूट, लाइव, सीट्स और फेयर। तो रूट में तो हमें इस ट्रेन का रूट दिखाएगा कि कहाँ कब कौन से स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी, और लाइव में इस ट्रेन का लाइव स्टेटस दिखाएगा कि ये ट्रेन अब किस जगह चल रही है और अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, पिछले किस स्टेशन से निकली है और कितनी लेट ये ट्रेन चल रही है। और सीट में सीट रिजर्वेशन करवाने के लिए अवेलेबल दिखाएगा कि सीट अवेलेबल है या वेटिंग में है, यहाँ हमें दिखाएगा। यहाँ नीचे चेयर क्लास का कोच दिखा रहा है और सेकंड सीटिंग का कोच दिखा रहा है। अगर स्लीपर का कोच होता है तो यहाँ में स्लीपर की भी दिखाता है। तो यहाँ दिखा रहा है चेयर क्लास में 20 वेटिंग चल रही है 3 तारीख को, और सेकंड सीटिंग में 3 मार्च को 127 सीटें अभी इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ 4th जो टैब है फेयर का टैब है, और फेयर में पहले तो ऊपर हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक का फेयर देखना है। हमने दिल्ली से लेकर बठिंडा तक का फेयर देखना है, तो यहाँ बठिंडा किया हमने, दिल्ली और बठिंडा, दिल्ली से बठिंडा। तो यहाँ जनरल फेयर जो चेयर क्लास का जो जनरल फेयर है 480, सेकंड सीटिंग का 135, वो जनरल टिकट जो बिना रिजर्वेशन वाली जनरल टिकट होती है उसका किराया 115 रुपये होगा। तो तत्काल का किराया भी हमें यहाँ दिखा रहा है। यहाँ बच्चे की टिकट का यानी कि 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे की टिकट का किराया भी यहाँ नीचे दिखा रहा है। अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करें तो नीचे सीनियर सिटीज़न फीमेल और सीनियर सिटीज़न मेल का किराया भी हमें यहाँ नीचे तीनों क्लास में हमें दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ से बैग चलते हैं। यहाँ पर हम और जो सेकेंडरी ऑप्शन है पीएनआर का, यहाँ से हम पीएनआर नंबर डालकर अपनी टिकट का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारी टिकट वेटिंग में है तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारी टिकट अभी भी वेटिंग में है या हमारी सीट रिजर्व हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे।